पता नहीं क्या बोला जाएगा इसे, बट हाँ ऐसा कुछ है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा मुंबई वालों को, नॉर्थ में आओ ऐसा। यार देखो आज के वीडियो में ना मकबैंग स्टार्ट करने के बाद हम फूड पे ही क्योंकि कंसंट्रेट करेंगे, तो मकबैंग से पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझसे मेरे दोनों ही चैनल्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। बहुत से लोगों को डाइटिंग इंटरमीडिएंट फास्टिंग फॉलो करने के बाद हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है। अब क्योंकि मैं खुद इंटरमीडिएंट फास्टिंग और ओमैड ही फॉलो करता हूँ और अपने मकबैंग्स में मैं बहुत ज़्यादा जंक फूड भी खाता हूँ, तो ये क्वेश्चन मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मैं अपनी हेयर हेल्थ के लिए क्या करता हूँ। एंड स्ट्रेट अप मैं आपको एक चीज़ बोलने वाला हूँ कि बायोटीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो हमारे बालों को चाहिए। और जितने भी लोग मुझसे हेयर हेल्थ पे टिप्स मांगते हैं मैं उनको एक ही प्रोडक्ट सजेस्ट करता हूँ, ओजीवा का बायोटीन। ये 100% प्लांट बेस्ड बायोटीन है और जितने भी मार्केट में बाकी बायोटीन आते हैं उनसे बहुत अलग है। एंड आई कैन अश्योर यू कि अगर आपको कोई भी हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो प्लीज़ ट्राई दिस वंस, आपको रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। ओजीवा प्लांट बेस्ड बायोटीन इज इंडियाज फर्स्ट होल फूड बायोटीन विच इज 100% नेचुरल। इट हैज़ हर्ब्स लाइक आमला, बैम्बू शूट एट्सेट्रा विच हेल्प्स इन हेल्दी हेयर ग्रोथ एंड गिव्स अ शाइन टू योर हेयर। Faster absorption as compared to all other biotins as it's completely natural whole food and not synthetic like other biotins in the market. बहुत से लोगों को हेयर फॉल एंड ब्रेकेज का प्रॉब्लम होता है एंड reasons might be स्ट्रेस, हार्मोनल इम्बेलेंस, heredity या फिर lifestyle changes. अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो मेरी सारी हेयर प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन था और वो था ओजीवा का बायोटीन। You can consume it by adding 2 scoops in 100 to 150 ml water and it can be consumed at any time of the day according to your convenience. ऐसा कुछ इसका कलर आता है, टेस्ट में मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि दवाई जैसा हो, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट करता है, कोई भी इजीली इसको पी सकता है। ऑनेस्टली इस प्रोडक्ट ने मुझे तो बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डू चेक इट आउट। बाकी रही बात आज के मकबैंक की तो फटाफट से करते हैं प्लेटिंग। सो आज का टोटल बिल है 2081 rupees, 2081 इंडियन रुपीस। ऐसा कुछ है आज का नज़ारा और ये सारे आइटम्स भी मैंने मंगा रखे हैं फॉक्स ट्रॉट से। और इधर है मेरे पास वेज प्लेटर, मुझे लगा था सब चीज़ें अलग अलग आएंगी बट ये स्टफ्ड है, ये कुलचे हैं। इस साइड है मेरे पास नॉन वेज प्लेटर, ये भी स्टफ्ड है, खा के देखते हैं कैसा लगेगा। सेंटर में है मेरे पास पाव भाजी, जिसकी भाजी ये है बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में, और बेबी पाव वगैरह हमारे पास इस साइड है। राइट हैंड साइड में है मेरे पास तिब्बतीन चिकन मोमो और मुर्ग अंगारा टिक्का, दोनों चीज़ें अलग अलग आई थी बट मैंने एक ही में इनको कंबाइन कर दिया है। पीछे की साइड है मेरे पास बहुत अलग अलग तरह की चटनियाँ, रायता, डिप्स वगैरह, और इधर है मेरे पास एक खमीरी रोटी। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम फटाफट से करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। वेज कुलचा प्लेटर में है 3 cheese kulcha विद ट्रफल ऑयल, पारमिजान, अमृतसरी पनीर अजवाइनी। थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस फूड एंड फॉर एवरीथिंग एल्स। देखो मैं बायस्ड हो सकता हूँ, I don't know, कैमरा में दिख रहा है नहीं दिख रहा है इसकी स्टफिंग। रायते के साथ खाते हैं जरा। जस्ट सो दैट आपको आइडिया हो जाए कि आपको ऐसे प्लेटर में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, तो ये 4 चीज़ें मिलेंगी आपको एक प्लेटर के साथ। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये कौन कौन सी चटनियाँ हैं, अभी खा के देखेंगे। ये तो रायता है, बाकी मुझे इसका भी आइडिया नहीं है कि ये क्या है। सेम मुझे दूसरे प्लेटर के साथ चीज़ें मिली हैं और ये पीछे 2 चीज़ें अलग से मिली हैं। अब नॉनवेज प्लेटर भी चख लेते हैं। इसमें है लैम्ब गलोटी, चिकन टिक्का, अंडा चीज़ मसाला। ओहो हो भाई ये तो पता चल रहा है। ओहो हो,
भाई साहब अब आपको इसकी स्टफिंग दिख रही होगी, अंडा चीज मसाला। तिब्बतियन चिकन मोमो टेस्ट वाइज बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो रही है अभी तक जितनी भी चीज़ें मैंने टेस्ट की हैं। 470 रुपीज़ के ये चार और ये तीन कुलचे हैं बस, एक अच्छे खासे शेफ ने बनाए होंगे ऑब्वियसली। भाई मज़ा आ गया, हर कुलचे में अलग अलग स्टफिंग है। एक कुलचे में लैम गलौटी होगा, एक कुलचे में चिकन टिक्का होगा। भाई अब इसमें स्टफिंग देखो, अब मैं एक्साइटेड हूँ इसे भी टेस्ट करने के लिए कि अब इसमें क्या निकलेगा। मैं लिटरली ये बोलने वाला था कि मैं डिसअपॉइंटेड हूँ कुलचों से, बट ब्लैक बीन सॉस जैसा कुछ लग रहा है, बट भाई ये लैम गलौटी किसी डिप की जरूरत नहीं है। इसका ना अभी पहला बाइट खाते ही मेरे दिमाग में दो चीजें आई एकदम से, एक तो भैरूस बिरयानी, उनकी बिरयानी में भी ऐसा ही सिमिलर टेस्ट था, और दूसरा फासूस, उनके एक रैप का मेरे को डेफिनेटली टेस्ट याद है ऐसा ही था। यह है बेबी बेबी नहीं है, यह है बेबी पाव, पहली बार मैं खा रहा हूँ ये। अपनी भाजी थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है, लुक एट दिस, मुंबई वालों प्लीज बुरा मत मानना। इसे लाके मुझे मुंबई की याद आई, क्योंकि मुंबई में जुहू चौपाटी की पाव भाजी बहुत फेमस है और मैंने बहुत खा रखी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मुंबई वालों को, नॉर्थ में आओ क्या, ये तो वही गजब है। थोड़ा सा नींबू स्क्वीज करते हैं ऐसा, और हम ट्राई करते हैं। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरा लास्ट व्लॉग देखा है उनको पता होगा मैं 72 आवर्स का वाटर फास्ट कर रहा था, एंड जेन्युइनली स्पीकिंग
वो मेरा कल गलती से ब्रेक हो गया। कल दोबारा से मैंने अपने मम्मी डैडी के लिए डोमिनोज ऑर्डर किया था, तो परसों तो मैंने कंट्रोल कर लिया था, बट कल मैं नहीं कर पाया और मैंने थोड़ा बहुत पेल लिया। तो मैंने कल ही पिज्ज़ा खा रखा है, बहुत अच्छी तरह से पिज्ज़ा खा रखा है डोमिनोज का। इवन कल का ये उनका बटरस्कॉच मूज केक, ये कल का बचा हुआ है, ये ट्राई करते हैं, मुर्ग अंगारा टिक्का। इन तीनों ही चीज़ों ने ना जो बार सेट कर दिया है। अंगारा टिक्का कुछ लग ही नहीं रहा है, जबकि दिखने में और टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। परफेक्टली कुक्ड है, बट इनके आगे कुछ भी नहीं है। खमीरी नान मेरे को लगा था एक ही पीस में देंगे तो एक अच्छा शवरमा बनाएंगे, बट आधे उसमें बना लेते हैं। बेस बनाएंगे भाजी का, ज़्यादा भी नहीं लगाऊंगा। अपन डालेंगे मुर्ग अंगारा टिक्का, ऊपर से रखेंगे थोड़े से प्याज, सेंटर में एक मोमो भी रख देंगे, थोड़ा सा नींबू इसमें स्क्वीज स्पाइसी टच देने के लिए, ऊपर से थोड़ी सी चटनी डाल देंगे। भाई ऐसा कुछ बना है अपना, पता नहीं क्या बोला जाएगा इसे, बट हाँ ऐसा कुछ है। पहले ना मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ, अब ठीक है, लेट्स गो इन फॉर अ नाइस बाइट। इतना फ्लेवरफुल मैंने आज तक कुछ भी नहीं खाया, जो कि ऑब्वियस था। भले ही सब चीज़ों का टेस्ट आया, बट जैसे शादी की प्लेट में होता है ना, किसी एक चीज़ के टेस्ट को आप इन्जॉय नहीं कर पाते ढंग से, थोड़ा सा वो वाला सीन हुआ। बहुत बेहतरीन हुआ, बट इन सभी चीज़ों का इंडिविजुअल अपना टेस्ट भी इतना ज़्यादा गजब है कि आप ऐसे रुइन नहीं करना चाहोगे इसको। मोमो का अलग मज़ा है, ओह माय गॉडनेस, ये बहुत हैवी है। पनीर अजवाइनी, और इसकी ज़रा फिलिंग देखो, बहुत ज़्यादा है यार, ये बहुत ज़्यादा है। इसको इसमें हल्का सा डिप करते हैं, एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, इट्स ट्रू टू इट्स नेम, प्रॉपर पनीर अजवाइन का टेस्ट आ रहा है। क्योंकि कभी कभार ऐसे अमालगमेशन, ऐसे कॉम्बिनेशन में चीज़ें आपस में एक दूसरे के डिश को ओवर पावर कर जाती है, इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड तक के लिए बचेगी, मैंने जो फर्स्ट फर्स्ट वाले उठाए थे ना, उन दोनों में सबसे कम फीलिंग थी, बाकी में फीलिंग देखो। चिकन टिक्का, क्या कलर आया इसका, कौन सा सॉस है। वेज पिज्जा आप बेटर देन नॉन वेज पिज्जा, एंड वेज स्टफ्ड कुलचा आप मच बेटर देन नॉन वेज स्टफ्ड कुलचा। नीचे नीचे इसका भी कलर बहुत ही ज्यादा प्यारा आ रहा है, कलर तो गजब आ रहा है, लग रहा है ना ये थोड़ा थोड़ा इंस्टाग्राम वाला बाइट।
आई नीड समथिंग. ग्लास में डाल के ना पूरा फिस खत्म हो जाता है. हर एक चीज अपने प्राइस को जस्टिफाई कर रही है, हर एक चीज कर रही है सिवाय मोमो और ये मुर्ग अंगारा टिक्का का. मुर्ग अंगारा टिक्का था ये 400 रुपीज का. आई बिलीव 5 या 6 पीस थे इसमें बोनलेस. दूसरी ये मोमो की बात रही, 319 रुपीज के 5 या 6 पीस थे. ये जिस बटर में इन्होंने कर रखे हैं ना फ्राई, उस बटर का इतना बेहतरीन टेस्ट आ रहा है ना भाजी के साथ. टैंगी सा टच आना बनता था. इस पाव भाजी के लिए 300 रुपीज में कभी भी देने के लिए तैयार हूँ. मैं एंजॉय करना चाहूँगा. डन. नो वे कि मैं बिना पाव के खाऊं. किसी को अगर पता है तो मुझे भी बता देना कि ये क्या है. ये नमकीन टाइप कुछ बना लगा है, बट किस पर्पस के लिए मुझे आइडिया नहीं. बाकी आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडे. आई होप यू गाइस एंजॉयड टुडेस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कीप स्माइलिंग एंड आई विल गेट यू गाइस ऑन टू द नेक्स्ट वन. पीस. मैं यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है इको फ्रेंडली, नो डर्टी र्यूमर्स और प्लास्टिक. फॉक्सट्रॉट. नाइस.